अभी बताने वाला है स्पोकन यानी इंग्लिश स्पोकन, ठीक है। डेली डेली जिस तरह से बताता हूँ उस तरह से फिर इस वीडियो में कुछ नया चीज बताने वाले हैं स्पोकन में, ठीक है। सबसे पहला लाइन है आज का कि हमारे साथ आओ, किसी को बोलेंगे हमारे साथ आओ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कम विद अस, तो हमारे साथ आओ इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम विद अस। उसके बाद बोलते हैं दिवाली मुबारक हो, ईद मुबारक हो, होली मुबारक हो, क्रिसमस मुबारक हो, तो सबको मिलाकर एक लाइन में समझा दे रहा है। ये इस तरह का जितना भी वर्ड या सेंटेंस रहता है ना, जैसे होली मुबारक हो तो हैप्पी होली, दिवाली मुबारक हो हैप्पी दिवाली, क्रिसमस मुबारक हो हैप्पी क्रिसमस, तो सबके लिए क्या करते हैं सबको एक साथ बोल दिया दिवाली या ईद हो या होली हो क्रिसमस हो कोई भी पर्व का नाम हो, ठीक हो, और उसके बाद लिखा रहा है मुबारक हो, तो क्या बोलेंगे हैप्पी दिवाली या ईद या होली या क्रिसमस, यानी हैप्पी होली, हैप्पी ईद, हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी छठ, हैप्पी दशहरा, हैप्पी सावन, इस तरह से बहुत सारे जो चीज है वो हैप्पी 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 लगाकर हैप्पी हैप्पी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वह चला गया क्या, ठीक है, जैसे कोई जाने वाला था, ठीक है, और हमको मालूम नहीं कि वो चला गया, तो किसी से पूछा तो क्या करते हैं, कहते हैं कि वो चला गया क्या, तो क्या होगा इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हैज ही लेफ्ट, यानी कि वह चला गया तो इसको बोलेंगे हैज ही लेफ्ट। उसके बाद एक और सेंटेंस है वह भारतीय है या वह फ्रांसीसी है, वह जापानी है, वह अमेरिकन है, इस तरह का सेंटेंस रहा, ठीक है, तो क्या वह भारतीय है, फ्रांसीसी है, जापानीज है या अमेरिकन है, तो क्या लिखेंगे ही इज इंडियन या ही इज फ्रेंच, ही इज जापानीज, ही इज अमेरिकन, इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहेगा तो बोल सकते हैं ही इज अमेरिकन, ही इज जापानीज, ही इज इंडियन, ही इज जापानीज, ही इज फ्रेंच, इस तरह से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। उसके बाद है मैं घर पर हूँ, ठीक है, कहीं से फोन आता है बोलता है कहाँ हो, तो मैं घर पर हूँ, कहाँ हो मैं मार्केट में हूँ, तो क्या है मैं घर पर हूँ आई एम एट होम, यह किताब है, कलम है, फूल फल है, फूल है, इस तरह का सेंटेंस रहेगा, तो सबके लिए इस तरह का जितना रहेगा यह किताब है, कलम है, कॉपी है, फूल है, सब्जी है, टेबल है, कुर्सी है, आदमी है, गुड़िया है, किताब है, चीटी है, घोड़ा है, कुछ भी रहे यह रहेगा तो क्या लगेगा ईट, और दिस भी लग सकता है इस यह के लिए, लेकिन छोटे जीव जंतुओं के लिए दिस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ईट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो क्या है ईट इज बुक या ईट इज पेन, ईट इज फ्रूट, ईट इज फ्लावर, निर्जीव के लिए यह के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है और सजीव के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बर्फ गिर रही है, बर्फ का गिरना का होता है स्नोइंग, तो क्या है बर्फ गिर रही है तो क्या लिख देंगे स्नो मीन्स गिरना, तो बर्फ गिर रही है तो इट इज स्नोइंग या इट्स स्नोइंग, ये जो है यहाँ पे, ठीक है, इसमें एस जो है स्ट्रॉपिक एस लिखा हुआ है, अगर स्ट्रॉपिक एस देखा नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे लिखना पड़ेगा इट इज स्नोइंग। उसके बाद है बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, ठीक, अगर कोई वस्तु है तो ठीक है पूछता है कितना है, बड़ा है, छोटा है, बहुत बड़ा है, तो क्या बड़ा है तो इट इज बिग, इट इज वेरी बिग, इट इज टू बिग, यानी यह बहुत ज्यादा बड़ा है, तो क्या है इट्स टू बिग या इट इज टू बिग। उसके बाद मुझे बाहर जाने दो, ठीक है, अगर मान ले कि क्लासरूम में ही है कोई तो सर से बोलेगा तो सर से तो नहीं बोल सकता है कि मुझे बाहर जाने दो, क्योंकि ये एक तरह से आदेश हो रहा है कि मुझे बाहर जाने दो, ठीक है, तो क्या है लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो, इसका होगा लेट मी आउट, उसे अंदर भेजो या उसे अंदर आने दो, इसका क्या होगा लेट हिम इन, ठीक है, इस तरह से सीखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें।